दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज जामा, जहाँ पर अक्षरा बार बार अपना मोबाइल चेक कर रही होती है कि अभी का ना तो कोई मैसेज आया ना कोई कॉल आया। तो दूसरी तरफ अभिमन्यु भी अक्षरा के ही मैसेज और कॉल का इंतजार कर रहा होता है और देखने को मिलता है कि अक्षरा घर वाले उदास बैठे हैं और कोई भी पूजा की तैयारी में नहीं नज़र आता। तो वो सभी का ध्यान भटकाने के लिए उनसे पर्दे के पीछे छुप कर शिवजी बन कर शिवाजी की आवाज़ में उससे बात करती है और सबको पता होता है कि ये अक्षु ही है। और उसके बाद में वो वादा करते हैं कि वो भी अच्छे से धूमधाम से शिवरात्रि मनाएंगे। इसके बाद देखने को मिलता है कि अभिमन्यु भी पूजा में मग्न हो जाता है और तभी यहाँ पर देखने को मिलता है कि अक्षरा सभी के साथ डांस मस्ती करते नजर आती है और बार बार अभिमन्यु को याद करती है। तभी वो खो जाती है अभिमन्यु की यादों में, जहाँ पर वो खुद शिव बना होता है और अक्षरा उसे मनाते नजर आती है पार्वती बनकर, लेकिन अभिमन्यु मानता नहीं है। तो वहीं देखने को मिलता है कि अभिमन्यु के ही मैसेज कॉल का बार बार वो दोनों ही एक दूसरे के मैसेज कॉल का इंतजार कर रहे होते हैं। तो वहीं आकर आरोही बता देती है कि जल्दी ही बड़े पापा को छुट्टी मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ नील आकर वीडियो दिखाता है जिससे कि अभिमन्यु को गुस्सा आता है और वो गुस्से में तांडव करते नजर आता है और मंजरी का आशीर्वाद लेता है और उसके बाद में फिर से घर वालों के साथ में पूजा करता है और सबको प्रसाद बांट रहा होता है। तो दूसरी तरफ यहाँ देखने को मिलता है कि अक्षरा प्रसाद लेकर मनीष के वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन मनीष पहले ही निकल चुका था है अखिलेश के साथ यहाँ पर बिरला हाउस के लिए अभिमन्यु से मिलने के लिए। तो देखने को मिलता है कि अभिमन्यु वहाँ बड़े पापा को सामने देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो दूसरी तरफ अक्षरा हॉस्पिटल में बड़े पापा को नहीं पाकर नर्स पर चिल्लाते नजर आती हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पर मनीष बड़ी शर्त रखने वाला है अभिमन्यु के सामने कि उसे घर छोड़ना पड़ेगा उसकी और अक्षरा की शादी अगर उसे करनी है अक्षरा से। तो दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि अक्षरा यही प्रार्थना कर रही होती कि कहीं अभिमन्यु और उसके परिवार के बीच में बड़े पापा की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मनीष ने तो अपनी शर्त रख दी है और अभिमन्यु भी अपनी शर्त रखते नजर आएगा कि अगर मंजरी इस घर को छोड़कर उसके साथ जाने को तैयार है, यानी कि वो उसके मम्मी के बिना अब ये घर नहीं छोड़ सकता और जहाँ पर उसकी माँ रहेगी वहाँ वो रहेगा। अब देखते हैं कि ये दोनों की एक दूसरे की शर्तें किस तरह से अब अक्षरा अभिमन्यु के रिश्ते पर अब एक नई मुसीबत लाती हैं।